अगर हम लुक की बात करें, सिंपल एक चुटिया वाली लड़की सिंपल मांग निकाले बैठी, तो ये इस टाइप का लुक आपका मतलब क्या करेक्टर आपको पेश किया गया है आपको ये आई गेस एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है. और मैंने बहुत सारी लड़कियाँ मतलब पहले मैं मिली, मुझे आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस थिंग कि मुझे लग रहा था ये क्या कैरेक्टर दे दिया है, तो कपड़े अच्छे नहीं पहना रहे, लुक अच्छा नहीं दे रहे, मैं हीरोइन ही नहीं लग रही हूँ. ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ हीरोइन, तो मुझे लग रहा था मैं हीरोइन नहीं लग रही हूँ, मेरा करियर खत्म यहाँ से. इनका एक फिल्म करेंगे, नेक्स्ट फिल्म में बोलेंगे ये लड़की तो सुंदर ही नहीं है, ये तो अच्छी दिखती नहीं है, शिकांत मतलब बस एक्टिंग करी, वो स्टैंप लगा देते ना हमारे इंडस्ट्री में कि ये तो यही टाइप का सिनेमा करेगी. तो मुझे लग रहा था ये तो मेरा करियर खत्म. बट देन आई रियलाइज कि मैं जब कैरेक्टर मुझे लगता था शायद मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे लगता था यार मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पर मैं ऐसे कपड़े तो नहीं पहनती, ये पता नहीं अलग ही. बट हम लोगों जब जिस एरिया में हमने जब शूट किया, आई गेस एवरी सेकेंड पर्सन वॉज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स, हर कोई ऐसा ही था, वो सिंपल सलवार कमीज, ऐसा दुपट्टा लेना, वो पोनी करना, तो वो सब चीज़ें बहुत मतलब आई थिंक हमने यहाँ पे शूट किया उसकी वजह से भी बहुत हेल्प हुआ मुझे पर्सनली. बिकॉज जब आप देखते हो तो आपको बिलीव ज़्यादा, आपको स्ट्रांगली यू स्टार्ट बिलीविंग कि अच्छा ऐसा चीज़ें होता है, एग्जिस्ट करता है. और नीलू बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है, बिल्कुल भी सीधी लड़की नहीं है. ऑफकोर्स वो टिपिकल लड़की है, लड़कियाँ सारी सीधी होती हैं आई गेस, तो वो सीधी तो है, थोड़ी सी इमोशनली बेवकूफ़ बनती है, हमें लगता है बहुत स्मार्ट है, बट इतनी स्मार्ट नहीं है वो. बट शी इज़ वेरी मैन्युपुलेटिव, शी इज़ वेरी स्ट्रांग, शी एक्चुअली नोज कि उसे क्या चाहिए लाइफ में, तो वो सब कुछ उसके हिसाब से ही करती है.